ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਚੌਕਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੁਨੀਤਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਸਕ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਿਲਾ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵਰੈਸਟ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੁਨੀਤਾ ਸਿੰਘ ਚੌਕਨ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸੁਨੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਵਾਰਡ ਕੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਕੈਸਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਨਮਾਨ ਪਾ ਕੇ? देखिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। राष्ट्रपति से हर किसी को अवार्ड तो मिलता नहीं, छोटे मोटे अवार्ड तो मिल जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। जितनी ये गर्व की बात मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, उससे ज्यादा है। आपने पढ़ाई अमृतसर से की है तो पंजाब से भी आपका नाता रहा, तो कैसा सारा सफर रहा ये? सफर बहुत अच्छा रहा। अगर आप एग्जैक्टली माउंट रेनिंग की बात करेंगे, एवरेस्ट की बात करेंगे, तो यस बहुत मुश्किल था। -70 डिग्री टेम्परेचर में सर्वाइव करना, वो भी 2 महीने सर्वाइव करना, वहाँ पे माउंटेन सिकनेसेस भी होती हैं, उसके बाद अवलांचेस, क्रेवासेस, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आती हैं। बट मैं कंटिन्यू एफर्ट लगाते जा रही थी। मेरी टीम में कुछ लोग, मेरा एक्चुअली इंटरनेशनल टीम में सिलेक्शन हुआ था। इट वॉज अ टीम ऑफ 28 मेम्बर्स, जिसमें से सारे वापस भी नहीं आ पाए, कुछ की डेड बॉडीज स्टिल अभी रिमेन वहीं पर है। तो मैं उन लकियों में से एक हूँ जो वापस आई और जो करने गई थी वो करके आई। हरियाणा सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो बेटियों से क्या कहना चाहेंगे? बेटियों से यही कहना चाहूंगी कि जो आप करना चाहती हैं, जो आपका गोल है, आप उसको अचीव कीजिए। जिस समाज की बात अभी सुनीता कर रही थी, बड़ी दिक्कतें आई होंगी तो लोगों ने बहुत सवाल भी उठाए होंगे, उस वक्त को अगर देखते हैं तो कैसा महसूस हो रहा है आज? वास्तव में सवाल बहुत ज्यादा उठाए। हर आदमी बेवकूफ बोलेगा कि इतना पैसा लगाया, इतने में तो बहुत काम हो सकते थे, कई लड़की की अच्छी शादी कर देता, उसको कोई सामान इतने का खरीद के दे देता। लेकिन लड़की की इच्छा थी तो जो उसने चाहा मैंने उसका सहयोग दिया, उसको मना नहीं किया कभी भी। बेटी के पीछे माँ की ताकत बहुत बड़ी होती है, तो कैसा सफर रहा सुनीता के साथ साथ आपका भी, क्योंकि आपका बहुत बड़ा हाथ है इस जीत में? खुश हो रहे हैं, पर उस दिन तो बोल रहे थे ये कैसी पागल माँ है, एक बेटी को धक्का दे दिया, पहाड़ों में भेज दिया, अगर मर गई तो पैसे भी गए, बेटी भी गई, ऐसी पागल माँ होती कितने। मैं बोली मैं तो ऊपर भेज रही हूँ। ए सन सुनीता एक ही गल कह रहे हैं कि इंसान नु जेड़ी कोशिश है वो करनी नहीं छड़नी चाहिए। इस परिवार दे चेहरे देख के ते खुशी देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेटियां भी घर का नाम रोशन कर सकदियां ने। कैमरा पर्सन राम बहादुर दे नाल हरप्रीत सिंह, पीटीसी न्यूज़ दिल्ली।